अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ सुबह के टाइम है और मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तहरी बना रही हूँ। आयशा की खिचड़ी तैयार हो रही है। इधर मैं पिज़्ज़ा के लिए कुछ टमाटर और शिमला मिर्च काट रही हूँ। टमाटर का जो अंदर का गूदा है वो ज़ाया नहीं करना है, वो मैं तहरी के मसाले में मिक्स कर रही हूँगी, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत महंगाई हो गई है और आप कोई चीज़ भी ज़ाया ना करें। और दूसरी साइड पर मैंने जो है तहरी के चावल जो है वो भिगो के रखे हुए हैं। आयशा की जो है खिचड़ी की, मूंग की दाल की खिचड़ी और चावल, वो दोनों भिगो के रखे हुए हैं। और ये हमारी जो है पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है कि तो जी, ये पिज़्ज़ा के लिए चिकन जो थी मेरे पास थोड़ी तैयार रखी थी, थोड़ी कम थी, अब इसको हम झटपट तैयार करेंगे। इसको चिकन को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट किया और ये गया थोड़ा सा ऑयल। इसके बाद इसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे हम इसमें डालेंगे? टिक्का मसाला। चिकन जो है ज़ाहिर है छोटी छोटी कटी है तो बहुत जल्दी ही गल जाएगी। अरे भाई निकल जाओ। टिक्का मसाला क्या? इसके बाद हम इसमें डालेंगे जनाब टिक्का कबाब मसाला, ये गया। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा दही, बस। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ टी से भी कम है भाई, ये जल्दी जल्दी निपटाना है। मैंने अपने सर जो है ना, मत्थे जो है गर्मी में शदीद तरीन ये लंबा काम ले लिया है, और भी ढेरों काम पड़े हुए थे। इसमें अब मैंने डाली थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और चिकन जो है ये मिनटों में तैयार हो जाएगी। बाकी तैयार रखी हुई थी तो इन सबको मिक्स करके हम बना लेंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। पंखा खोलना मुश्किल है, क्योंकि पंखा अगर खोल दो तो फिर हवा जो है इधर से उधर होती है, चूल्हे पे आँच नहीं लगती, वो भी एक मसला। गर्मी से हाल बुरा है और देख ले क्या हुलिया हो रहा है, बहुत शदीद गर्मी है। और जनाब बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो कप है ये मैंने मैदे के लिए हैं, 3.5 कप। और ये पानी जो है मैंने इसको गुनगुना कर लिया है, आधे कप से थोड़ा कम है। इसमें मैं डाल रही हूँ ईस्ट, ये चाय का 1 चम्मच गया, ये चाय के 2 चम्मच गए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, चीनी जाएगी है ये वाला छोटा सा चम्मच, 1 बस। और नमक जो है हम मैदे में डाल देंगे, नमक भी थोड़ा सा जाएगा, 1/2 टीस्पून के करीब, ठीक है, ये गया। इसके बाद हम मैदे में डालेंगे सूखा दूध, ये 1 और 2 चम्मच, ये गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल जो है वो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, ये गया। अभी जब तक ईस्ट होता है तब तक के लिए आटा हो गया है, बस अब इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे और इसको मैं रख दूंगी माइक्रो के अंदर रख दूंगी। ऐसे तो गर्मी बहुत है, बेचारा वैसे ही उबल जाएगा। अच्छा जी, ये इधर जो है मैंने टमाटर बारीक चॉप करके काट लिए हैं, इनका अंदर से जो है बीज वगैरह थे वो निकाल दिए हैं। प्याज जो है बारीक काट ली है, और शिमला मिर्च जो है ये भी बारीक काट ली है। सॉसेजेस हैं, और ये जनाब आपका मशरूम है। सॉसेजेस और मशरूम जो है मैंने मक्खन में फ्राई करे हैं। ये हमारी चिकन है, और इसके अलावा ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, और ये हमारी जलेपिनोस, ठीक है।
ये हमारा घर का जो है ये सॉस तैयार हुआ हुआ है, कुटी लाल मिर्च है, ऑरिगेनो है। तो जनाब अब मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा जी, इस पे हम लगा रहे हैं सॉस। पिज़्ज़ा सॉस, इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ डालूंगी। ये अच्छी तरह इसको आप डालने के ऊपर भी मुझे डालना है, तो ये मुझे बीच में भी अच्छी लगती है, आप बीच में भी डाल लें। दूसरा वाला जो है वो भी मैं रेडी कर रही हूँ, उसमें भी मैं चेडर मोज़रेला ये दोनों डालूंगी और एक हम टिक्का बनाएंगे। यकीनन अब मेरी आवाज़ हल्की हो सकता है आ रही हो, वो इसलिए कि फ़ैन चल रहा है और गर्मी बेतहाशा है, बगैर फ़ैन के गुजारा नहीं है। ओवन जो है मैंने ऑन कर दिया है 180 डिग्री पे। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हम इस पे डालेंगे चिकन। आप बाज़ार से जो मंगवाते हैं उसमें चिकन जो है वो बराए नाम पड़ी हुई होती है, और बस पैसे जो है वो लोग इतने चार्ज करते हैं, लेकिन चिकन जो होती है वो बराए नाम होती है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की ज़बरदस्त खुशबू होती है, आपका वैसे ही देख के दिल चाहने लगता है खाने का। अच्छा, ये डाल दी हमने। उसके बाद हम इसके ऊपर हम डालेंगे बहुत थोड़ी सी प्याज, बहुत थोड़ी, मर्जी है आप लोगों की, जो जिसको पसंद हो वो डालें। और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे जलेबियों, ये गई। और बस इसके ऊपर हम डाल देंगे अब दोबारा से चीज़, चेडर मोज़रेला दोनों। ये क्या, इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे, कहाँ गया ऑरिगेनो, ये गया। और उसके ऊपर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये गया। चलें जी, एक हमारा जो है रेडी हो गया, अब दूसरा करते हैं। दूसरा जो है ये मैंने ये डाल दिया था, सॉस भी लगा दिया था, दोनों जो है चीज़ डाल दी है। और इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी जो है सबसे पहले प्याज डालेंगे, प्याज गई। अब हम थोड़े से कटे हुए टमाटर डालेंगे, ये गए टमाटर। इसके बाद हम इसमें लगाते जाएंगे
सॉसेजेस। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी मशरूम। लगा दिए, अब हम डालेंगे शिमला मिर्च। और इसके बाद डालेंगे चीज। मोज़रेला, चेडर दोनों। जी जनाब, ये रेडी हो गया और मैंने अपना एक पीस निकाल के खाना भी शुरू कर दिया। आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, पसंद आए थम्स अप कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी पे मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।